रेडी फॉर BTS? आर यू रेडी फॉर BTS? वन थोड़े जवळ स्टिक करो. ओके रेडी 1 2 3 एक्शन. हे हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द न्यू डे. नए वीडियो में आपका स्वागत है. आज आप देख सकते हो मेरा आउटफिट इन अ प्रॉपर कुर्ता. एंड यस आज मेरी दोस्त की शादी है. सो सुबह के बजे 8:30 तो मैं उसके बाद जा रहा हूँ घर पे. रिसेंट व्लॉग जो कि नाने घाट के थे आपको कैसे लगे वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. आई होप आपको पसंद आया रहेगा. अभी मैं फ़िलहाल पहुँचा हूँ गोरेगांव एंड आप देख सकते हो मैं ऑफिस टाइम है तो राइट साइड में तो ट्रैफिक है टूवर्ड्स अंधेरी. आप देख सकते हो पूरा जाम है. एंड मेरे को मूवी है, मेरे को कुछ इशू नहीं है. देखते हैं आगे जाके क्या है. पर रिसेंटली अभी जो मुंबई ट्रैफिक में थोड़ी दिक्कत आ रही है वो है कांदिवली साइड जो कि ग्रोवेल्स के साइड है. एंड वहाँ से थोड़ा मतलब एक ही लेन रोड ही है इसलिए वहाँ पे ट्रैफिक फेस करना पड़ता है. सो यही एक इशू है. पर शाम के टाइम तो बहुत ज़्यादा हो जाता है. एंड इफ़ यू आर लिविंग फ्रॉम अंधेरी और जोगेश्वरी टूवर्ड्स बोरेवली वो आपको लगभग डेढ़ से एक घंटा लग ही जाएगा आराम से, नो डाउट. सो ठीक है चलो ये सब बातें होती रहेगी. अपन मिलते हैं डायरेक्ट अविक के वेडिंग में. तेरे ऊपर लगने वाला है. हाँ ना वो पाउडर मितेश पे अच्छा दिखेगा. अबे अरे उसका मितेश को छोड़ दिया तो नहीं मितेश का वाइट है. हाँ हाँ बिल्कुल चलेगा उससे चलेगा. हेलो गाइस एंड वेलकम बैक आफ्टर अ फ्यू आवर्स. और अभी मैं निकल गया हूँ शादी के लिए एंड इट्स इन कांदिवली. सो हार्डली 25 to 30 minutes लगेगा पहुँचने. सो देखते हैं अभी के बजे 5 सो थोड़ा कम रहेगा. 6 के बाद थोड़ा ट्रैफिक बढ़ना चालू करते हैं पर लेट्स सी क्या होता है. सो निकलते हैं. वेलकम टू द अनदर डे. और आप देख सकते हो मैं कहाँ पे हूँ. यस आई एम एट MG शोरूम. एक थोड़ा माइनर सा काम है तो गाड़ी का आई मीन. सो एक्चुअल में मैंने गेट पास बना दिया है और जस्ट सर्विस सेंटर में अंदर हूँ और वेट कर रहा हूँ. अभी मैं वेटिंग रूम में जाऊँगा थोड़ा वेट करूँगा और एक बताऊँगा आपको क्या काम है. तो मिलते हैं थोड़ी देर में. यस आई हैव बीन वेटिंग एंड दिस इज द कॉफी.
गाइस गाइस मैं हार्डली 5-10 मिनट ही वेट किया एंड एक अपडेट है, एक्चुअली आज जो मैंने पार्ट मंगवाया था वो अवेलेबल नहीं है, सो मुझे कल वापस आना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, एक्चुअली हेडलाइट में मेरा इशू है, सो लेफ्ट हैंड साइड का हेडलाइट आया नहीं है और राइट साइड का आया है, सो कल लेफ्ट का आ जाएगा तो मैं कल वापस आऊँगा सुबह। प्रॉब्लम आई है, कार के हेडलाइट में फॉग जमा हो गया, फॉग की वजह से पानी जमा हुआ एंड वो पानी सूख गया, पर उसका जो अंदर से डाग है वो दिख रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा है उसका शेडो बाहर फेंक रहा है, सो मतलब लाइट कम हो रहा है, सो मैं वो मुझे MG रिप्लेस करके दे रही है फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट बिकॉज इट इज़ अंडर वारंटी, सो इट्स अ गुड थिंग एंड चलो कल आते वापस। तो मैं व्लॉग यहाँ पे ही एंड करता हूँ, टिल देन दिस इज योर द चिलर टू पिक्सल साइनिंग आउट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे इजी, कीप इट सिंपल, बाय।